आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोलूशन पाओ डाउनलोड नाउ हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ दॉट थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ओके सो इन चारों में से कौन सी थ्योरी डेवलपमेंट की नहीं है डेवलपमेंट क्या होता है विकास यानी कि हम अपनी जो लर्निंग है लर्निंग हो चाहे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो उसमें बढ़ोतरी होना ठीक है तो ये विकास होता है डेवलपमेंट होता है जो कि हम हैरिडिटी और इन्वामेंट के इंटरेक्शन से होता है डेवलपमेंट इज़ प्रोसेस विच ग्रोस कंटीन्यूसली और हेरिडिटी और इन्वामेंट के इंटरेक्शन दोनों ज़रूरी है इन दोनों के इंटरेक्शन से होता है विकास और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट्स आदि है लाइक फिज़िकल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट इमोशनल डेवलपमेंट मोरल डेवलपमेंट कॉग्नेटिव डेवलपमेंट तो एक्सेट्रा दीज आर दैरियस टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट और जो सीक्वेंस है वो है पी सी एस ईकेनि फिजिकल कॉग्नेटिव सोशल एंड इमोशनल ये एक सीक्वेंस है जो कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ऐसे सिक्वेंस में चलता है सो लेट्स एनालाइज द ऑप्शंस थ्योरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स ये क्या है थ्योरी ये है कंडीशन थ्योरी ऑफ रिस्पॉन्स इसको कंडीशन थ्योरी ऑफ रिस्पॉन्स भी कहते हैं ये डेवलपमेंट की थ्योरी नहीं learning की है लर्निंग की थ्योरी है दिस इज अ थ्योरी ऑफ लर्निंग अधिगम की थ्योरी है ठीक है इसमें क्या है इसमें क्या है हम एक रिस्पॉन्स को एक्वायर करते हैं ये पैलॉब ने दिया था और उनका कहना था कि जब स्टीमलस है जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक डॉग है उसको भूख लग रही है तो वो सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा है क्या खाना देखकर अब क्या है खाने के साथ हमने एसोसिएट कर दिया क्या घंटी बजाना तो जब भी घंटी बजेगी वो भी एक स्ट्यूमलेस कहलाएगा क्योंकि जब भी खाना आ रहा है तभी घंटी बज रही है तो घंटी और खाना का एक रिलेशन होने के कारण खाना आने पर पहले वो सलाइवेशन देता था पर जब घंटी भी बज रही है बाद में कंडीशन हो चुकी है घंटी खाने से तो घंटी बजने पर भी वो सलाइवेशन दे रहा है तो ये क्या हो गया कंडीशन condition, कंडीशनिंग हो गई उसकी कैसी कंडीशनिंग हो गई कि पहले खाना देखकर सलाइवेशन प्रोड्यूस करता था अब घंटी देखकर भी करने लगा क्यों क्योंकि खाना और घंटी को हमने कंडीशन कर दिया सो so ये वो थ्योरी है तो दैट इज नॉट द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट सो राइट आंसर विल बी ए लेट्स एनालाइज अदर ऑप्शन ऑल्सो थ्योरी ऑफ कंटिन्यूस ग्रोथ दैट इज राइट बिकॉज डेवलपमेंट में डेवलपमेंट कंटिन्यूस होता है हाँ ग्रेजुअल हो सकता है स्लो हो सकता है कि धीरे हो रहा है तेज़ पर जो प्रोसेस है वो रिवर्सल नहीं होती कंटिन्यूटी के साथ चलती रहती है ठीक है थ्योरी ऑफ इंटर रिलेशन इंटर रिलेशन यानी कि डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स है जैसे कि हमने देखा ये टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं इंटर रिलेट होते हैं फिजिकल डेवलपमेंट नहीं है तो वो सोशली या फिर इमोशनली भी हमको अफेक्ट कर सकता है एग्जाम्पल हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं हमने हमारा इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हम नर्वस हैं तो वो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अफेक्ट करेगा दी है थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न देखो रेट चेंज हो सकता है कि, कि किसी में जल्दी हो किसी में तेज हो पर वो जो पैटर्न है वही है पहले वो उसका फिजिकल डेवलपमेंट ही होगा फिर सोशल फिर कॉग्निटिव फिर सोशल इमोशनल तो एक पैटर्न चलता है सो वी विल गो विद द आंसर ए बिकॉज इट इज़ नॉट द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इट इज़ थ्योरी ऑफ लर्निंग क्लास ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर